अली अब्राम संग खूब थिरकते दिखे आमिर खान। काफी समय बाद दिखा मिस्टर परफेक्शनिस्ट का ऐसा कूल अंदाज। 26 मार्च को रिलीज होने जा रही कोई जाने ना फिल्म में आमिर खान कैमियो करने जा रहे हैं, जिसकी झलक हाल ही में टीजर रिलीज के साथ दिखाई गई है। हरफन मौला गाने का टीजर रिलीज किया गया है और इस वीडियो में आमिर खान काफी समय के बाद काफी कूल लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि गाना फिलहाल रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले रिलीज हुए टीजर में आमिर अली इब्राहिम संग खूब धूम मचाते नजर आ रहे हैं। जो टीजर रिलीज किया गया है उसमें आमिर खान क्लब में बैठकर किसी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं, तो तभी अली इब्राहिम आती है और उनका लुक भी जबरदस्त है। वहीं आमिर खान के लुक की बात करें तो वो काफी समय के बाद ऐसे कूल अंदाज में नजर आए हैं। खास बात ये है कि आमिर खान इस गाने में काफी फिट भी लग रहे हैं और मिस्टर परफेक्शनिस्ट का ये अंदाज काफी पसंद भी किया जा रहा है। इस गाने को म्यूजिक दिया है तनिष्क भागची ने, जब अमिताभ भट्टाचार्य ने गाने के बोल लिखे हैं। ये गाना फिल्म कोई जाने ना का है, जो आगामी 26 मार्च को रिलीज होने जा रही है। वही गाना 10 मार्च को रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले छोटी ही सही गाने की एक झलक दिखाई गई है। वही फिल्म की कास्ट की बात करें तो रंग दे बसंती फेम कुणाल कपूर फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं, तो वही उनके ऑपोजिट अमायरा दस्तूर नजर आएंगी। वहीं आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वो लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाले हैं, जो हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक होगा। इस फिल्म को हॉलीवुड में काफी सराहा गया था। वहीं अब इसी कहानी को लेकर बॉलीवुड में आमिर खान धमाका करने वाले हैं, जिसमें करीना कपूर उनके ऑपोजिट होंगी। ये तो बात थी अली इब्राहिम और आमिर खान के नए गाने हरफन मौला की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। बॉबी देओल ने बॉलीवुड में री एंट्री का श्रेय दिया सलमान को, कहा चमका दिया मेरा करियर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई अपने स्टैंडर्ड को सजाने के लिए सलमान खान से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि सलमान खान द्वारा लॉन्च किए गए कई एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर अपना नाम बनाया है, जिसमें कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, सना खान, जरीन खान, डेजी शाह और आथिया शेट्टी जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हैं। इन सब ने सलमान के सपोर्ट से अपने करियर बॉलीवुड में बनाए हैं और अपना नाम कमाया है। पुरानी फिल्मों में दिखने वाले हीरो बॉबी देओल भी कुछ समय के लिए बॉलीवुड में दिखाई देना बंद हो गए थे और उनका स्टारडम भी खत्म हो गया था, लेकिन बॉलीवुड के भाईजान ने बॉबी देओल को अपनी एक बड़ी फिल्म रेस 3 में शामिल करके बॉबी के स्टारडम को अलग ही रूप दे दिया है। इस सबका शुक्र अदा करते हुए बॉलीवुड के बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यू में सलमान खान की तारीफ में कहा कि सलमान खान पूरे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हीरो है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि सलमान ने अपनी रेस 3 जैसी बड़ी फिल्म में मुझे शामिल करके फिर से मुझे लाइमलाइट में ला दिया, और ये भी कहा कि इस फिल्म को लोगों द्वारा ज्यादा देखने से मैं पहले की तरह फिर लाइमलाइट में आ गया हूँ। बॉबी देओल के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। मैं सबसे मिला जाकर, पहले क्या होता था कि काम आपके घर पे आता था, अब वैसा नहीं रहा, अभी आपको काम जाके ढूंढना पड़ता है। तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एंड आई स्टार्टेड मीटिंग एवरीवन। फिर जब मैं एक बारी सलमान के साथ था, हम CCL एक क्रिकेट लीग खेलते हैं, तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं। मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था, तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने दे। आई मीन यू नो सही, एंड ही वॉज रियली स्वीट। ही तब से उसने कभी, ही ऑलवेज केप थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग विद मी, एंड फाइनली जब फ़ोन आया मेरे मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा, मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस 3 शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मामू मेरा मतलब बड़े भाई जैसा है, उसने हमेशा मतलब मेरी फैमिली के साथ उसके अटैचमेंट्स हैं, एंड डेफिनेटली ही डेफिनेटली वॉन्ट विल बी हेयर टू विश मी। और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके जैसा इंसान मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे है नहीं, वो एक ही है, एक मेरा मामू, मेरा दोस्त, मेरा भाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट